तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम में एक ही भूमि पर बैनामी पर बैनामा कराने का मामला प्रकाश में आया है। प्रथम भूमि बैनामा लेने वाले व्यक्ति का कहना है कि हमारे द्वारा बैनामा लिए हुए भूमि पर जबरन कब्जा करते हुए दोबारा भूमि को बेच दिया गया, जिसके विवाद को लेकर न्यायालय में वाद लंबित है। उसके पश्चात भी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पक्का निर्माण करवाया गया। हमारे द्वारा बार बार शासन प्रशासन को शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव से निर्माण कार्य रुक नहीं सका, जिससे हम और हमारा पूरा परिवार काफी पीड़ित हैं। क्या समस्या बता भैया? हमारा समस्या ये बा, हम पहला खरीदा रही बैनामा का और वही चौहद्दी पर दूसर के और खरीद लिया और गुंडई और एक ताकत के बल पर वो चौहद्दी के छेका लिया और वो चौहद्दी के लिखा भी लिया। हम अपन पेपर दिखाओ तो पुलिस प्रशासन वो पेपर के हमारे दरखास्त के साफ देखते ही नहीं बा। एक बाद में हम मिले लानी लेखपाल साहब से, तो लेखपाल साहब कहना कि मौके पर चल के देख के आ जिसका पहला जेकर पहले बयानामा हुई ओकर निस्तारण होके चाहिए। आ एक पहले उनके लिया गए के पहले डीएम साहब गए लली तो वो कहली कि नहीं जो जे पहले किन ले बा उन्हीं के निस्तारण हुई पहला खरीदार पर। तो ई बात जब थाना में कहते तो थाना में केहू मनते नहीं है। एक बाद में फिर लेखपाल से मिले तो लेखपाल कहते हम का जानते नहीं चूंकि लेखपाल हम तो लिए ना 20,000 रुपया आ एक कोनो सुनवाई नहीं बा। लेखपाल एकदम तबाही तबाही मचा दिए ले बने। यहाँ तक ले कि हम एगो एप्लीकेशन डालनी जोगी जी के लग गए तो वो एप्लीकेशन गई थी ना पुलिस कमिश्नर के लगे गोरखपुर, वो पुलिस कमिश्नर के लगे गई तो हमारे परिवार गईली। हम रहनी है दिल्ली में, हमार परिवार वही जा गईली अपन पूरा फाइल वही लेके अपन पूरा स्टाम्प देखौली। स्टाम्प देखने के बाद में कमिश्नर साहब कहना कि ऐसा बात बा जे पहले किन ले उन्हीं के पहले वरीयता मिली। एक बाद में लेखपाल साहब तो जब लेखपाल साहब गई ले तो वह कमिश्नर साहब सीधा ओकर उल्टा लगना बतिया कि तू की है कोनो हकदार नहीं है वो की आ तोहर कोनो मान या नहीं बा। ओकरे बाद में जब वो जब चेम्बर से बाहर बोलो तो ई लेखपाल हमरे लगे फोन कैला पूछना भैया कहाँ बड़ा हम कहीं बानी दिल्ली में कहत ना ऐसा बात भाई ये को हम नहीं पहले गई नहीं तो कहले रहता कि ये सिखौना है उनके कौन मुकदमा चलता है मैं। हाँ मुकदमा ये जब तहसील से मुकदमा चला था एक बाद में इसे कोर्ट से मुकदमा चला था दीवानी न्यायालय से मुकदमा चला था। एक बाद में हमरे लगे स्टे वाला कागज बा ओकर ही पुलिस प्रशासन कुछ भी मान्य नहीं करते रहो। हाँ कहते रहो फर्जी है तो ये है वो है 50 गो ताम झाम कहते रहो। निर्माण काम निर्माण काम पुलिस द्वारा चलल बा भैया। हाँ पुलिस का पुलिस प्रशासन वो जो बैठ के निर्माण करौले बा ओकरे बाद बहुत हम परेशान भइले के बाद में कोनो स्तर ही रह कि फिर एस डी एम को हम फोन कर लास्ट में तो एस डी एम फोन करके और वो चीज के रुकौली। हाँ ये समय रुकल लौल पहले लेकिन फिर ये बीचवा में 15 दिन के अंतराल में जल्दी जल्दी घर बनावल हलो आ घर बना के वही जमीनिया में ले जाके धो ले गलो जबरदस्ती चढ़ावे खातिर। हमार मेहरारू लड़का छोट छोट बाना को परेशान हो हमारे लगे फोन कहीं को तो हम भाग के बाहर से घर आईली। सबसे पहले बैनामा हम ले लेन तो वही नंबर से दूसर बैनामा कैसे अब वो बतिया वहन जान सुन लो 420 वहन कैले बना लो। अगर हम ये जान ले रहती कि जौन चीज ये हम खरीदे तो वह के और खरीदे तैयार हो जाए तब हम उन्हीं हल ही नहीं रहती। यानी कि तार पैसा हमें डूब गई बा समय तार जाता समय हमार जाता मामला तार कोर्ट में लंबित बा। हाँ मामला हमार कोर्ट में चलता चलता। हाँ ओकर बादो काम होता स्टे के बादो काम होता। क्या नाम है? चौथी यादव। घर कहाँ? मठिया बुजुर्ग हमारे मोहल्ला का नाम है धानगढ़ा। और कुछ प्रूफ बात कर लगे? हाँ बहुत प्रूफ बा आई रहा हमारे स्टाम्प पेपर एक बाद में हमारे खारी दाखिल के पेपर खारी दाखिल के पेपर एक बाद रहा जन सुनवाई जनना भी बा मोदी जी लगे जोगी जी लगे जहाँ भी हमारे समझ बा सब प्रूफ हमारे लगवा थाना के भी पकिया प्रूफ हमारे लगवा। कितना बार हम थाना में बोल बनी हमारे सुनवाई नहीं बोल बा और नहीं थाना में जानी तो कह लो कि ये जितना बार आता है उतना बार 191 इसको चलान करो। एक बार हमारे परिवार के दोनों जने चलान कर लो
पक्षी चलान भाई नहीं, ओमे दोनों जने चलान भैल लेकिन ओमे ई धमकी दिया गई कि जितना जो बार रही जाइए तब बार इनके उठा उठा चलान कर जाए, तो एक वजह से हम थाना में गए बंद कर दी और थाना में हम जानी ना यानी कि विश्वास नहीं करता नहीं हमारा विश्वास नहीं तबे नहीं जानी पर के बाद मौके पर कोनो बात का ही पहुंचल है कि नहीं पहुंचल सबसे पहले ये पहुंचत रहने तो खाली उल्टा बात बतियात रहा खाली एक बार हमसे सीधा बात बतियोला कि ऐसा बात कर 20,000 रुपया दो तो तोर चल के खेतवा नापी देते हैं आ 20,000 रुपया जब पा गई ना एक बाद में जब भी मिली तो उनसे हमसे मिलने का फुर्सत नहीं रहे हाँ तो अधिकारी गई लल हाँ अधिकारी SDM साहब गई नहीं रहनी SDM साहब गई रहनी तो कहानी पूरा पेपर ऊपर देखनी तो कहानी जो पहला खरीदार है तो उसका मालिक तो हो गया तो तुम बीच में क्यों खरीदे विपक्षी पार्टी से हाँ SDM साहब कहानी कि पहले खरीदार जब रंभा देवी हो चुकी तो इसका मालिक तो हो गई ना तो तुम किससे खरीदे जिससे खरीदो उसको पकड़ के लेके आओ बात इनके बात की सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं कोई।